चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बदतर नजर आ रहे हैं। गुजरात पर मंडराया चक्रवाती तूफान का खतरा। अब गुजरात पर चक्रवात असना का खतरा मंडराने लगा है। सौराष्ट्र कच्छ में चक्रवाती तूफान की आशंका। अरब सागर में चक्रवात बनने का अनुमान। तूफान के ओमान तट की ओर बढ़ने लगा अनुमान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई क्षेत्रों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। वहीं बता दें कि गुजरात पर चक्रवात असना का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप कुमार, गुजरात पर मंडराया चक्रवाती तूफान का खतरा और हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला? तूफान आसना का खतरा अब मंडराने लगा है। ये एक बड़ी दुर्लभ मौसम संबंधी घटना है। इसके तहत गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्र में चक्रवाती तूफान की आशंका है। आज जो है अरब सागर में चक्रवात के बनने और ओमान तट की ओर बढ़ने का भी अनुमान जताया गया है। कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश की इस दौरान आशंका जताई गई है। तो इन क्षेत्रों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा अगर देखें तो पिछले दिनों जो लगातार बारिश हुई है उसके चलते बाढ़ जैसे हालात कई जिलों में बने हैं और लोगों की जान भी गई है, भारी नुकसान हुआ है। तो कच्छ और सौराष्ट्र में इन क्षेत्रों में जहाँ चक्रवाती तूफान की आशंका है, मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों के साथ साथ समुद्री क्षेत्रों में अगले दो दिनों तक 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं, मौसम विभाग का ये अनुमान है। तो एक बड़ी जो चक्रवाती तूफान की आशंका यहाँ पर जताई गई है। इससे जान माल का नुकसान न हो उसके चलते लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो आज ये चक्रवाती तूफान यहाँ पर उभरेगा और कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती पेश कर सकता है गुजरात में, कच्छ और सौराष्ट्र में, ये बताया जा रहा है। जी प्रदीप कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।